सही वोट सब मेरे भाई, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। सो इन टुडेस वीडियो आप सभी लोगों को बताओ कि आप सभी लोग एक ऑसम ग्लिच कैरेक्टर स्ट्रेच इफेक्ट कैसे बना सकते हैं फॉर योर मॉन्टेज। आपने देखा होगा 77 पे ने भी अपनी जो लेटेस्ट वाली मॉन्टेज है उसमें इस्तेमाल करे वो इफेक्ट, बहुत ज़्यादा डोप लगता है एंड बहुत ही ज़्यादा ईजी टू मेक है। सो बिफोर द वीडियो, इफ यू हैवन सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, गो एंड सब्सक्राइब इट। एंड अभी तक मेरे को आपके इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मेरे को जल्दी से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पर अपन बातचीत होती रहती है और अपन के 10 के फॉलोअर्स होने वाला है। सो प्लीज़ आगे करवा दो, ठीक है, तुम्हारे भाई के भी 10 के हो जाएंगे, देन स्वाइप अप आ जाएगा। सो बेस्ट गन बोटा है, लेट्स गेट into the video। अरे मैं बना में लगे, मुझे मेरा दूसरा जन्म में लगे, मुझे मेरे अपनों की दुआ है, टूटूंगा कभी ये गैरों का भरम है, गैरों का सनम भी हो रहा बेशरम जब माइक के हाथ। सो यहाँ पे मेरी जो क्लिप्स है मैंने ऑलरेडी एडिट कर चुका हूँ, उनको मैं टेक्सचर वगैरह इफेक्ट लगा के, ठीक है। एंड अभी क्या करना है, यहाँ पे थोड़े से बहुत हम शेक्स वगैरह डाल देते हैं। इफ़ यू कैन सी यहाँ पे मेरा बंदा शूट करता है एंड देन यहाँ पे जो है शूट के बाद वाला जो सेक्शन है जो क्लिप है वो आती है, ठीक है। तो अभी इनको मिनिमाइज कर देते हैं, न्यू एडजस्टमेंट लेयर बनाते हैं एंड एक छोटा सा एडजस्टमेंट लेयर का जो पार्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी करके इसको हम काट लेते हैं। एंड यहाँ पे मेरे पास कुछ अपने शेक्स है, लाइक ट्विच शेक्स है बेसिकली, तो मैं चार पांच शेक, मतलब तीन चार शेक मिक्स करके एक शेक बना लेता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा परफेक्ट लगते हैं, बहुत ज़्यादा सेक्सी लगता है। मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सेक्सी लग रहा है। और आपको यू की दबा के इसका की फ्रेम देख सकते हो, कहाँ तक की फ्रेम्स आते हैं तो वहाँ तक इसको स्ट्रेच कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। नाउ यू कैन सी कितना ज़्यादा सेक्सी लग रहा है ये ग्लिच इफेक्ट, ठीक है। इसको कंट्रोल प्लस डी करेंगे और इसको आई की साइड लगा देंगे, ठीक है, जहाँ जहाँ पे अपन के कट है वहाँ वहाँ अपन ने लगा दिए, लाइक दो जगह कटते तो अपने दोनों जगह लगा दिए। एंड या अभी ये सीन बहुत ज़्यादा सही लग रहा है। इफ़ यू वांट मैं ये जो हमारे शेक इफेक्ट है ये दोनों भी आपको तुम्हें डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब यह करना है इसको मिनिमाइज करते हैं, यानी जो लेयर है लास्ट वाली इसको कंट्रोल प्लस डी करेंगे, ठीक है, डुप्लीकेट हो जाएगी। ऊपर वाले लेयर को लेंगे, इसको प्री कंपोज करेंगे, मूव वॉल इफेक्ट्स करेंगे एंड ओके कर देंगे। उसके बाद तुम यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे इसको डबल क्लिक करना, ऊपर जाना, यहाँ पे तुम्हें रोटो ब्रश का सेक्शन का टूल मिलेगा, इसको ले लेना। और इसके बाद तुम्हारे कैरेक्टर के ऊपर अपन को रोटो ब्रश करना है, ठीक है, आपको अपने कैरेक्टर के ऊपर रोटो ब्रश करना है। तो अभी जो ग्रीन डॉट है आपके कैरेक्टर के ऊपर चलाओगे तो पर्पल की जो लाइन है वो कैरेक्टर को सराउंड कर लेगी, आप लोग देख सकते हो। और अल्ट की दबा के जहाँ पे तुम्हारा एक्स्ट्रा पार्ट है उसको तुम क्लियर कर सकते हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से तुमको रोटो ब्रश करना है। तो फटाफट से मैं जो कैरेक्टर है उसको रोटो ब्रश कर लेता हूँ, उसको बहुत सारी की फ्रेम्स वगैरह पे अलग अलग की फ्रेम्स पे इसको करना पड़ता है, ठीक है, थोड़ा टाइम लग जाता है तो मैं फटाफट से इस वाले पार्ट को स्किप कर देता हूँ। सो रोटो ब्रश करने के बाद अपन को क्या करना है, नीचे वाली जो लेयर है वो सिलेक्ट करनी है, उसके बाद यहाँ पर जाना है ब्लैक एंड वाइट पे एंड यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट का जो इफेक्ट है वो नीचे वाली लेयर पर लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर तुम जाना है और यहाँ पर लिखना है ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारे पास ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, इसको भी लेना है और इसकी जो ब्राइटनेस है वो उसको कम कर देना है। एंड आप कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा सकते हैं, वो आपकी क्लिप के ऊपर डिपेंड करता है वो आपका क्लिप कैसा है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा हल्का सा कॉन्ट्रास्ट का बढ़ा कर देखता हूँ, ठीक है, तो मेरे को सही लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे मैं जाऊँगा इफेक्ट वाले सेक्शन में एंड देन यहाँ पे मैं टाइप करूँगा लाइंस, ठीक है, बेसिकली, और यहाँ पे एस लाइंस आ जाएंगी, मैं यहाँ पे इसको प्लेस कर दूँगा, ठीक है, और बस इतना, मतलब वही लेयर में बस इतना ही काम है अभी। उसके बाद तुम्हें परल लेयर है उसको सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे जाना है तुम्हें सीसी वाइप करके एक इफेक्ट है उसको तुम्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है फर्स्ट वाली लेयर में जो कि आपने प्री कंपोज की थी। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, वेट अ मिनट, मैं पहले सबसे पहले इफेक्ट जो है वो मैं हाइड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लोग देख सकते हो ये जो सेक्शन है बेसिकली यहाँ पे इसको रोटेट करने से जो हमारा ये है जो स्ट्रेच है वो रोटेट होता है, जो नीचे वाला व्हील है इसको रोटेट करने से। तो मैं इसको आप कहीं पे, मतलब कोई सी भी डायरेक्शन में इसको रख सकते हो, लाइक आप अगर चाहते हो राइट में तो आप राइट में रख सकते हो, इफ़ यू वांट कि आपका जो कैरेक्टर है वो लेफ्ट में आए तो तुम इसे लेफ्ट में रख सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कम्प्लीटली। जो व्हील है इसको थोड़ा बहुत छेड़ना तुम, ठीक है, और जो ऊपर वाले जो सेंटर वगैरह यहाँ पर दिख रहा है इसको तुम, इसको मतलब राइट लेके जाना है तो लेफ्ट लेके जाना और लेफ्ट लेके जाना है तो राइट लेके जाना, ठीक है, जैसे कि अभी मैंने राइट कर दिया है और मेरे को इसको लेफ्ट लेके जाना है, ठीक है, मैंने इसको राइट कर दिया और जो व्हील है इसको मूव कर दूंगा मैं राइट की, मतलब लेफ्ट की साइड, और अभी मैं इसको मूव करूंगा तो यू कैन सी अभी हमारा जो कैरेक्टर है वो लेफ्ट की साइड जा रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो आप लोग दोनों व्हील्स वगैरह को थोड़ा मूव करके देख लेना अपने हिसाब से, बिकॉज अगर तुमको बता रहा हूँ तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा तो। और ऊपर जो उसका स्ट्रेंथ है इसको आप 100 से, मतलब 50 रख देना, ठीक है, 50 अप्रॉक्स काफ़ी रहता है, 100 रखोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और यू कैन सी यहाँ पे कुछ इस टाइप से बन जाएगा,
उसके बाद तुम्हें सेंटर जो की फ्रेम है स्टार्टिंग में लगाना है और उसको एकदम कैरेक्टर को गायब कर देना है स्टार्टिंग वाले की फ्रेम में। उसके बाद दूसरा जो की फ्रेम लगाना है उसमें अपने कैरेक्टर को वापस ले आना है, ठीक है। और जो दूसरा वाला की फ्रेम है उसको हम आई की साइड लेके जाएंगे और आप इसे प्ले करोगे तो यू कैन सी स्टार्टिंग वाले की फ्रेम से ऐसा लगेगा कि हमारा कैरेक्टर उड़ता हुआ आ रहा है, ठीक है। ध्यान रखना स्टार्टिंग वाले की फ्रेम में कैरेक्टर गायब और जो सेकंड वाले जो की फ्रेम है उसमें कैरेक्टर वापस लाना है अपने को। तो यू कैन सी कुछ इस टाइप से बन जाएगा और इसको तुम कितना भी स्ट्रेच कर सकते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना रखना चाहते हो। उसके बाद दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करना और F9 प्रेस कर देना दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करके, जैसे ईज हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जाना ग्राफ में, ग्राफ एडिटर में, एंड इसको कुछ इस टाइप से कर देना। सॉरी मैंने गलती से गलत ग्राफ कर दिया, ठीक है। इसको उल्टा करना है बेसिकली, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे, और प्ले करके देखोगे तो कुछ इस टाइप से एकदम स्मूथली प्ले होगा, ये बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसको अपन हाइड कर देंगे। उसके बाद इफेक्ट वाले सेक्शन में जाना है एंड होलो मैट्रिक्स सर्च करना है और ऊपर लेयर में जो होलो मैट्रिक्स है वो लगा देना है। और उसके बाद जो ये आपको बॉक्स दिख रहा है इसको चेक इन कर देना है तुमको, इससे क्या होगा आपके जो पीछे जो ब्लैक इफेक्ट आ रहा है वो डिसअपेयर हो जाएगा, जो कैरेक्टर के पीछे आ रहे हैं बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। एंड नाउ यू कैन सी कितना ज़्यादा सेक्सी इफेक्ट लग रहा है। और आपको अगर लगता है इसकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है तो इसको कम कर देते हैं। और इसको थोड़ा सा ग्लो फैलाने के लिए क्या करते हैं, अपन ऊपर सर्च वाले ऑप्शन में जाते हैं इफेक्ट वाले में और एक ग्लो सर्च करते हैं। एंड ग्लो सर्च करके तुम जो कैरेक्टर है इसको यहाँ पे लगा दो एंड ग्लो को तुम एक स्प्रेड कर दो बेसिकली। और अब प्ले करोगे तो देख सकते हो कितना ज़्यादा सेक्सी लग रहा है। उसके बाद मेरे पास ये एक वीडियो है जिसका लिंक मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको ब्लेंडिंग मोड पर जाना है, लीनियर डॉस कर देना है एंड कुछ बड़ा करके इस टाइप से तुम्हें कैरेक्टर के ऊपर लगा देना है। और जहाँ से हमारा इफेक्ट स्टार्ट होता है वहाँ पे कट लगाना है और पीछे वाला जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो डिलीट कर देना है। और जहाँ तक हमारा कैरेक्टर मतलब जो इफेक्ट है वहाँ तक इसको रखना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी करना है एंड जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो डिलीट कर देना है। एंड नाउ यू कैन सी कितना ज़्यादा ऑसम इफेक्ट लग रहा है। अभी क्या करेंगे, एक एडजस्टमेंट लेयर बनाएंगे और ऊपर डालेंगे क्रॉप, ठीक है। और क्रॉप डाल के क्रॉप एडजस्ट आ जाएगा, एडजस्टमेंट लेयर में इसको डालेंगे, ठीक है। राइट एंड लेफ्ट वाला जो है वो डिलीट करेंगे और जो क्रॉप है इसका जो स्कोर में रोटेट करेंगे, ठीक है। यहाँ से रोटेट कर सकते हो इसको और इसको रोटेट करके कुछ इस टाइप से लगा देंगे और ऊपर वाला भी रोटेट कर देंगे। उसके बाद स्टार्टिंग में एकदम जीरो के फ्रेम लगाएंगे अपन, यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, इसको हम डिलीट करते हैं एक्स्ट्रा पार्ट को। यहाँ पे लेते हैं स्टार्टिंग में जीरो की फ्रेम और इसका जो इंटेंसिटी है वो एकदम जीरो कर देते हैं 0.5 से। और इसको आगे लेके आते हैं हम तो थोड़ा यहाँ तक, और यहाँ पे जो इसका इंटेंसिटी है वो अपने हिसाब से बढ़ा देना जितना भी आप क्रॉप करना चाहते हो, आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। नाउ यू कैन प्ले तो ऐसा लगेगा। तो अभी इसको थोड़ा सा और स्मूथ करने के लिए क्या करते हैं, यू दबाएंगे इसको, दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस करेंगे, ठीक है। दोनों की फ्रेम सेलेक्ट करके F9 ईज हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, इनको लेंगे एंड इसको भी सेम ग्राफ कर देंगे जो हमने पहले वाला करा था। और अभी देख सकते हो कितना स्मूथली हमारे जो ब्लैक बार्स हैं वो ऊपर की साइड आते हैं। और बस अपन का पूरा जो इफेक्ट रेडी हो चुका है, कुछ भी नहीं था इफेक्ट में, ठीक है। बहुत इजी इफेक्ट था, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी बन गया। सो क्या यही था वाली वीडियो, वो आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और तुम्हारा भाई रेगुलर होने की ट्राई कर रहे तो या सो या सी यू नेक्स्ट वीडियो देन। I'm right, signing out.